नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपने ही क्षेत्र में जब जनता को संबोधित करने के लिए खड़े होते हैं तो मोदी मोदी का नारा सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरा ट्रैक मत चुकाओ, कोई बम फूट जाएगा। जानिए सच्चाई क्या है। अरे मेरा ट्रैक मत चुकाओ, नहीं तो बड़ा धमाका हो जाएगा, शांत रहो। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल नागौर में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर शिलान्यास का कार्यक्रम था। आपको बता दें, रेल विकास मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए शिलान्यास प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था, जिसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग के द्वारा किया गया, जिसमें 55 रेलवे स्टेशन राजस्थान के थे और इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन को एक एयरपोर्ट की तरह सुविधाओं से लैस बनाना था और इसी प्रकार नागौर का रेलवे स्टेशन भी अमृत भारत योजना में मौजूद था और इसके शिलान्यास में नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी, कार्यक्रम के संयोजक मंगनी रामजी सांगला, नागौर विधायक मोहन रामजी चौधरी, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और खिमसर विधायक नारायण बेनीवाल भी शामिल थे। और इसी प्रोग्राम में जब हनुमान बेनीवाल जनता को संबोधित करने लगते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। आप ये बताएं, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि नागौर शहर के लोगों को लगे कि हनुमान बेनीवाल प्रयास कर रहा है और हर अच्छे कार्यक्रम के अंदर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको बता दें, यह प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तावित प्रोग्राम था और नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास करना था, लेकिन हनुमान बेनीवाल आरएलपी, जो खुद की पार्टी उससे ताल्लुक रखते थे और नागौर के सांसद होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि वह इस प्रोग्राम में मौजूद रहे, और हनुमान बेनीवाल इस प्रोग्राम में आते हैं। हनुमान बेनीवाल के आने से क्या हुआ? सामने खड़ी जनता और लोग भारतीय जनता पार्टी को ही चाहने वाले थे और कार्यकर्ता थे। वह किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है और इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल अपनी बात रखने लगते हैं और सामने खड़े कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी मोदी का जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। यह बात सुनकर बेनीवाल को बहुत बुरा लगता है और वो बताते हैं, आप ऐसा मत करो, मेरा ट्रैक मत चुकाओ, कोई बम फूट जाएगा। लेकिन फिर भी वही आवाज़ मोदी मोदी की आती है तो हनुमान बेनीवाल कहते हैं, ये जो घटिया हरकत आप कर रहे हो, जो किसान विरोधी हरकत आप कर रहे हो, इसका नुकसान आपको चुनाव में पता चलेगा। जो व्यक्ति पगड़ी पहनकर नागौर से विधायक पद के लिए खड़ा होगा वह 50,000 से हार जाएगा। अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हो, सुन लो मेरी बात, नागौर से चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई मन कर रहा है ना साफा बांध के, वो सुन लेना, या विधायक नहीं बनोगे 50,000 से हारोगे, ठीक है ना? किसान विरोधी बात करो, शर्म नहीं आती आप लोगों को?